गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और जैसे कि आपको पता है मैं हमेशा लेट उठता हूँ, तो आज भी मैं लेट ही उठा। जैसे कि अभी देख सकते हैं 8:40 होने को हो और मैं ऑफिस जाने को तैयार हो चुका हूँ, लेकिन आज नाश्ता के लिए वक्त नहीं मिला घर में बनाने को। तो आज हम नाश्ता बाहर करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है मैं लेट उठने वालों में से गिनती आता हूँ, क्योंकि भाई लेट नाइट सोते हैं और फिर बाद में होता है हमारे साथ ये कि हम मॉर्निंग जल्दी उठ नहीं पाते और फिर नाश्ता बना नहीं पाते। लेकिन बैचलर रहते हैं यार, तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि ये नाश्ता और खाना वाना बनाना कभी कभी बहुत बोर लगता है, और ख़ासकर तब जब मूड ना हो। और अपन तो आज लेट उठे हैं और हमें ऑफिस भी जाना है, अगर हम नाश्ता बनाते रह गए तब तो समझ सकते हैं कि कितना लेट हो जाएगा एंड ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे। अभी मैं खम्हाड़ी जाने वाला हूँ, कचना खम्हाड़ी, जहाँ पर ऐसा है कि कुछ दिन पहले मैंने वहाँ का ई श्रम कार्ड बनाया था और आयुष्मान कार्ड भी बनाया था, लेकिन सर्वर के इशू के कारण ऐसा हुआ कि हार्ड डिस्क ख़राब हो गई और फिर से दोबारा बनाने की ज़रूरत पड़ी, जिसको रिकवर करने के लिए पिछले 2-3 दिन से लगा हूँ। और पहले बार तो लोग आ गए थे बनवाने, लेकिन दूसरी बार उनको बुलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन कुछ लोग बहुत कॉपरेट कर रहे हैं, स्पेशली जिनको बताया गया है, जो समझदार है, पढ़े लिखे लोग हैं, वो समझ रहे हैं कि इस वजह से ऐसा हो गया। लेकिन जो कोई नहीं समझ पा रहे हैं, जो जिसके कॉन्टेक्ट में नहीं जा पा रहे हैं, उनको भी आज हम फ़ोन कॉल्स करके बुलाने वाले हैं, ताकि अगर बनवाए हैं तो आपको कार्ड भी मिले, क्योंकि अगर वो रिकवर नहीं होगा तो अब तक लोगों को कार्ड नहीं मिल पाएगा। एंड अभी लगभग मैं छत पे हूँ, जस्ट ऑफिस जाने से पहले मैंने सोचा कि व्लॉग वीडियो यहीं से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि दिन भर में आज जो भी होने वाला है थोड़ा थोड़ा जितना हो सके हम कवर करने की कोशिश करेंगे, है कि नहीं। और जैसे कि देख सकते हैं मेरे से पहले यहाँ इस घर का मालिक का बेटा हर्षू उठ जाता है, छोटू सा है, और उसका रोना गाना शुरू हो जाता है। और ये देख सकते हैं वो उठ गया है और अंकल के साथ घूम रहा है, और हम भी अभी छत पे ही हैं क्योंकि ये छत है। और ये देख सकते हो, मैं उनको आपको दिखाता हूँ हर्षू को, है ना। ये हर्ष गुड मॉर्निंग बोलो बाबू। कैसे नहीं बोल रहे हैं? गुड मॉर्निंग। ये अभी नहीं बोल पाता बाबू, अभी जस्ट इसका कल परसों का बर्थडे था बाबू, 1 तारीख को, 1 तारीख को इसका बर्थडे था, अभी 1 साल का हुआ है, अभी बोल नहीं पाता है। और देखो चम्मच लेके कैसे घूम रहा है, जैसे सब कुछ खा लेगा, है ना, है? देखो कैसे बोल रहे, उसकी भाषा सुन रहे हो, समझो इसकी भाषा। बोलो क्या बोल रहे, बोलो बोलो। तो दोस्तों हम लोग नहीं, मतलब मैं निकल चुका हूँ अपने ऑफिस के लिए, और मैं घर के बाहर थोड़े दूर में आके सूट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को लगा कि भाई लोग बोलेंगे अभी छत में था, अब कैसे रोड पे आ गया, डायरेक्ट कोई दूसरी लोकेशन निकालने। जस्ट मैं घर से निकला हूँ तो सोचा चलो बता दूँ। और मैं अब निकल रहा हूँ अपने ऑफिस के लिए एंड निकल भी चुका हूँ, बोल सकते हैं, देख सकते हैं। और मॉर्निंग में मतलब बहुत ठंडी रहती है यार, अभी के डेट पर तो बहुत ज़्यादा। तो चलो थोड़ी देर के लिए अभी वेट करते हैं, ठंड मतलब गर्मी में बदल जाए, ताकि थोड़ा मूड अच्छा रहे। अभी तो बहुत ज़्यादा ठंडी यार, बहुत ज़्यादा ठंडी है, स्पेशली अभी के टाइम पे ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है नया रायपुर में। लेकिन फिर भी अपन रह रहे हैं, क्योंकि भाई क्या करें, और साथ में काम में भी जा रहे हैं, बाइक में है तो आपको पता ही होगा बाइक में और बहुत ठंडी लगती है। चलते हैं नाश्ता के लिए, ठीक है। एक बहुत बेस्ट जगह है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ नया रायपुर में, बहुत ही अच्छा नाश्ता मिलेगा, वो भी आपको एकदम देसी स्टाइल। तो चलो हम चलते हैं वो नाश्ता पॉइंट पे, ओके। तो दोस्तों हम पहुँच गए हैं उस आंटी की शॉप पे, शॉप बोले तो टपरी पे, जहाँ पर मेरे को नाश्ता करना सबसे बढ़िया लगता है। और ये है हमारे सेक्टर 15, नया रायपुर के सेक्टर 15 पे, जस्ट लेफ्ट साइड जो टर्न है सीबीटी के सामने, वहीं पर है इनका स्टॉल। और आपको देखना यहाँ पर गरम गरम पकोड़े, बड़ा और चीला मिलेगा, वो भी एकदम देसी स्टाइल में शुद्ध, वो भी टमाटर की चटनी पिसा हुआ। तो आप आएँ और यहाँ विजिट करें, आपको बेस्ट क्वालिटी में खाने को मिलेगा। एक बार खाएंगे आप बिल्कुल दोबारा खाने वापस आएंगे, क्योंकि यहाँ स्वाद एकदम मस्त, स्पेशली प्यार से भरा हुआ।
और देख सकते हैं यहाँ आंटी चटनी पीस रही है, मैं आपको दिखा दूँ। ये देख सकते हैं सेक्शन 15 में आपको दिखाना, रुको दिखाता हूँ ना यहाँ पर आपको कहाँ पर आने के लिए आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको बोर्ड टंगा हुआ है सेक्टर 15 का, यहीं पर ही है जस्ट सामने में, आपको आएंगे तो दिख जाएगा, एक छोटा सा तफरी है। ये रहा देखो हमारा नाश्ता भाई, एकदम शुद्ध देसी स्टाइल में, ये चटनी और ये है हमारा चीला और वो है आंटी। तो चलो हम खाते हैं भाई, क्योंकि अब इंतज़ार नहीं किया जा सकता। भाई लाजवाब यार। तो दोस्तों अगर देख सकते हैं यहाँ खाना भी बनता है, और जिस किसी को भी आना है भाई नए रायपुर के इस ठेले में आए, बेस्ट खाना, बेस्ट भजिया, बेस्ट क्या बोलते हैं उसको, नाश्ता यहाँ मिलता है। देखो भाई मेरे साथ साथ भी यहाँ के एक फैन है यहाँ के खाने का, तो आप लोग आएँ, वहाँ बड़े बड़े होटल में जो चीज़ नहीं मिलता इसको यहाँ मिलेगा, स्पेशली आंटी का प्यार, अंकल का प्यार, ये देखो प्यार से भरा अच्छा है। तो यहाँ आए और गरीबों का सहायता करें, यहाँ आपको बेस्ट मिलेगा भाई, है नहीं अंकल? छत्तीसगढ़ का देसी नाश्ता देखो, छत्तीसगढ़ का देसी नाश्ता, चीला और बड़ा अभी मस्त खा रहे हैं, ये देखो हरी चटनी के साथ, हरी चटनी के साथ यहाँ है बिल्कुल भाई। सेक्टर 15 में और नया रायपुर में इससे बेहतर जगह आपको कहीं नहीं मिलेगा भाई, बिल्कुल। ये देखो जल्दी से आइए सब लोग, 18 रात हूँ मैं खाऊं, देखो लोग दूर दूर से आ रहे भाई खाने, स्पेशली मैं रायपुर छोड़कर नया रायपुर में आता हूँ खाने, और यहाँ पर खाना वाना भी मिल जाता है स्पेशली मेरे लिए, तो अंकल आंटी रखे रहते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद इन लोगों को। और अभी मैं चाय पीने वाला हूँ, ये है सेक्टर 15, तो आप आइए और एक बार विजिट करके ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं खमाड़ी के ऑफिस में, और अभी बजा है 9:45, और देख सकते हैं अपना बैग अभी भी मतलब खोल के नहीं रखा, लैपटॉप वगैरह नहीं निकाला है, मैंने सोचा चलो थोड़ी देर शेयर कर लेते हैं। अभी हम पहुंच गए खमाड़ी पर, कचना के पास है, जस्ट रेलवे फाटक के आगे हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी है जहाँ हम पहुँच गए हैं, और ऑफिस टाइम होता है 10 बजे, अपन 15 मिनट पहले पहुँच गए हैं। तो चलो अब हम अपना सेटअप लगाते हैं। हाँ, और सबसे पहली बात, अगर आप वीडियो में यहाँ तक बने तो भाई वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप हो तो हम हैं, आपके एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और दिल को बहुत सुकून मिलता है, एंड आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है स्पेशली मेरे को, तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करिए एंड वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को आखिर तक देखते रहना, ठीक है। We'll be right back.
लैपटॉप स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब हम पोर्टल पे जाने वाले हैं इंस्टाग्राम और आयुष्मान का, देखते हैं चल रहा है कि नहीं चल रहा, क्योंकि मैक्सिमम टाइम सर्वर स्लो चल रहा है पिछले 15 दिनों से, पिछले 15 दिनों से मेंटेनेंस पर है रोज़ कुछ न कुछ कारणवश है और सर्वर बहुत स्लो रहता है, लेकिन आज देखते हैं आज क्या हाल है। तो सबसे पहले चलते हैं अपने सर्वर पर कि कैसा चेक करते हैं, हमने वाईफाई कनेक्ट कर लिया है अपने लैपटॉप से, देखते हैं यहाँ हमें रिकवर करना है। और मैक्सिमम टाइम ऐसा हो रहा है कि कल भी सर्वर का बहुत इशू चल रहा था, लेकिन कहा जाए तो 52 लोगों का रिकवर हो चुका है और आज देखते हैं कितने लोग का होता है। एक्चुअल में क्या है, अब सर्वर ऐसा हो गया कि इतना ख़राब चलता है कि लोग परेशान हो जाते हैं, मैक्सिमम टाइम पर उनका आते हैं बनवाने और देखते हैं कि भाई सर्वर स्लो है तो क्या करेंगे और हम भी क्या कर सकते हैं, जब तक सर्वर नहीं चल रहा है, पोर्टल नहीं चल रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते। लगभग अभी लग रहा है कि सर्वर चल रहा है, अभी मेंटेनेंस पे नहीं दिखा रहा है, अब इंतज़ार है लोगों का, क्योंकि देखो जिस टाइम पे सर्वर नहीं चलता उस टाइम पे लोग ज़रूर आते हैं और पूछते हैं बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, या फिर आते हैं उस टाइम पे सर्वर नहीं चलते रहता तो वो लोग वेट नहीं करते चले जाते हैं, तो हम क्या करें। लेकिन हमारा कोशिश रहता है कि लोगों को समझाने की सर्वर कैसी है, कभी भी आ सकता है, कभी भी जा सकता है, तो आप थोड़ा वेट करिए ताकि आपको दोबारा आने की ज़रूरत ना पड़े और साथ ही साथ आप एक बार आए हैं तो आपका काम हो जाए। जैसे कि अभी सर्वर सही दिखा रहा है चलने पर, अब लोग आएंगे तो इस पर हम काम करके और देखेंगे, तब हमें पता चलेगा कि स्पीड इसकी कैसी है, बीच में कहीं रुक तो नहीं रहा, सर्वर में कोई इशू तो नहीं है, तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ ना। तो दोस्तों देख सकते हैं ये ई श्रम का पोर्टल हमने ऑन कर लिया है और ये हमारा ई श्रम अभी चालू हो चुका है, लेकिन स्पीड है कि नहीं है, कैसा है, क्या है, अब ये तो पब्लिक आएगी तभी पता चलेगा। और मैं ऑफिस में आके बैठ चुका हूँ, पब्लिक भी आई नहीं है, जबकि उन लोगों को ग्रुप पे मैसेज कर दिया गया है। कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग लेट से आएंगे, क्योंकि उनको पता है अपन लोग 4-5 बजे तक बैठते हैं, तो तब तक लोग आराम से आते हैं, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जल्दी आइए और अपना काम करवा के चले जाइए, ताकि हमारा काम भी हो जाए और आपका काम भी हो जाए। तो दोस्तों हम अब इंतज़ार करते हैं लोगों का, क्योंकि वही आएंगे तब